catch up with all your favorite programs. नमस्कार, आयच्या या खाशेल्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर स्टुडिओ अशी व्यक्ती आसा, राजकारणी म्हूण आसा, बट फक्त राजकारणाच्या प्रिझमांतल्यान तांचे कडेन पळोवप सारकी जावची ना. कारण कोविडाच्या काळात तांणी देशभर जे काम केले आनी एक स्वता हेल्पलायन जावन काम केले, ते कशें काम केले, कितें जालें आनी तांचो अनुभव कितें आशिल्लो, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयतले. आमचे बरोबर आसात इंडियन यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी. श्रीनिवास जी, वेलकम. नमस्कार. विल गो टू कोविड, बट शुरुआत करते हैं जो आज सुबह हुआ उससे कि आपने तो सोचा नहीं होगा कि आप गोवा में आएंगे और आपको लाठियां खानी पड़ेंगी, क्या हुआ? देखिए, गोवा में कहीं ना कहीं बहुत दिन से मैंने हमारा यहाँ यूथ कांग्रेस यूनिट से तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का इस तरीके के बढ़ा है और प्राइस हाइक का तमाम चीज़ों पे ये सरकार कहीं ना कहीं चुप रहा है. तो शायद ये लोग भूल गया 2010 में, शायद 12 में परिकर जी ने बोला था 60 रुपए के ऊपर पेट्रोल हमने ऊपर महंगा होने नहीं देंगे, 60 रुपए के अंदर देंगे करके सबके सामने बोला था. फिर आज कितना हुआ? तो सबसे ज़्यादा बीजेपी है तो महंगाई है, और आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी है तो महंगाई. आज क्या हुआ? आज लाठियां क्यों खानी पड़ी? आपने तो सोचा नहीं होगा कि लाठी चार्ज होगा. नहीं नहीं, पूरा देश पर जब जब ये बीजेपी सरकार डरती है पुलिस को आगे करते हैं, तो ये लाठी खाना कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है. लाठी खाना, जेल जाना, तो ऐसे कोई ये नहीं था. यहाँ भी बीजेपी सरकार है तो हम तैयार थे, ये लोग लाठी चलाएगा करके. आज अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हमने आवाज़ उठाया, या जो गोवा का जो युवा है यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ के, MBA पढ़ के, जो डबल डिग्री पढ़ के जो दूसरे स्टेट में जाके काम करने पड़े, इन लोग ने जो वादा किया था साल में 10,000 नौकरी देंगे करके गोवा के लिए, 5 साल हुआ, 50,000 नौकरी दिया क्या इन लोग ने गोवा का युवा को? दिया नहीं दिया? सबसे बड़ा विश्वासघात किसी को किया है ये गोवा का युवा के साथ इन लोग ने किया है. इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कितने नौकरी दिया. नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, नौकरी जो था इनके जानलेवा नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स लेके आके बहुत सारा तमाम लोगों का, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वहाँ कुछ नौकरी मिलते थे कुछ वो लड़का लोग को, उस नौकरी तक छीनने का काम ये सरकार ने किया है. आज गोवा प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज बड़ी लेवल पे गोवा प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जी और CLP लीडर कामत जी के नेतृत्व में सारे हमारा वरद जी प्रदेश अध्यक्ष सब लोग ने मिलके आज इस सरकार को घेरने के लिए हम लोग ने आए. बट सरकार ने तो समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा युवा आज गोवा में सड़क पर है. आप लोग भी उसको तमाम उस कार्यक्रम को लाइव किए दिखाए प्रमोद जी, फिर साथ में तब भी इन लोग ने कंट्रोल नहीं कर पाया तब लाठी चलाने का काम किया. बट आप लाठी हम लोग को कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर चला सकते हैं, बट जब तक गोवा प्रदेश में युवा को नौकरी नहीं मिलेगा, या सबसे ज़्यादा यहाँ अत्याचार हो रहा है, जो 2 महीने में कम से कम 7 महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो लैंड रिकॉर्ड टोटल कोलैप्स है, उस ऐसे चीज़ों में आवाज़ उठाए तो ये लोग ने लाठी चार्ज कराने का काम किया. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार नहीं है 50 बार लाठी चलाओ, बट गोवा में इनजस्टिस होने नहीं देंगे, युवा के साथ, महिला के साथ, किसी के साथ होने नहीं देंगे. जनता भी समझ गया. एक हमेशा हमारी कांग्रेस के बारे में यही कंप्लेन रही है कि आप लोग जितना अग्रेसिवली सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ आपको आंदोलन करने चाहिए उतने आप करते नहीं. लगा आज जो हुआ, लाठियां नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन ये एग्रेशन जो है एक विरोधी पक्ष से आई थिंक बहुत जरूरी है. गोवा का युवा के अंदर जो आज मेरे को देखने को मिला जो अग्रेशन, ये पूरा गोवा का जनता भी ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, बहुत कहीं ना कहीं दुखी है इस सरकार से. ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ये जनता ने तय कर चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है.
जितना इन लोग ने कमीशन खाना, लूटना, करप्शन करना, जो करना करने दीजिए, कांग्रेस सरकार आएगा, गोवा को बचाने का काम करेंगे। शिवाजी, ये तो हुई आज की बात, मतलब लेकिन जो बात कब हम करने बैठे यहाँ पे वो है, जो आपने इतना बड़ा काम किया सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव से शुरुआत हुई थी लेकिन सेकेंड वेव के दौरान जो आपको और जिस लेवल का और जिस क्वांटम का काम आपको करना पड़ा, उसके बारे में कैसे शुरू हुआ है? सडनली श्रीनिवास जी आप ब्रांड बन गए, हेल्पलाइन बन गए, कैसे शुरू हुआ है कि कोविड के वक्त लोगों को इस तरह से हेल्प करना, ऑक्सीजन जब नहीं मिल रहा था तब हेल्प करना, कैसे शुरू हुआ है? देखिए, ये ब्रांड आपने बताया वो भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष है, तभी हमने ब्रांड बन गया, बट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने सड़क पे उतर के काम करने का काम किया, ये क्रेडिट सारे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर को जाना चाहिए। फेब्रुवरी 12 तारीख सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट लगा के सरकार को जगाने का काम किया, कोविड महामारी आ सकता है उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो उस समय में हम लोग जो WHO जो गाइडलाइंस थे, मास्क बांटना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, उनको साबुन से कम 14 सेकेंड्स हाथ धोने का, इस तरीके के काम हम लोग ने किया। जब सरकार ने मार्च 23 को लॉकडाउन ऐलान किया विथआउट अनप्लान लॉकडाउन, इसी वो जो माइग्रेंट लोग है, लाखों लाखों लोग सड़क पे निकले, आप भी जानते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चले। उस समय में तो दिल्ली से लेके हर जगह हम लोग ने लोग जो लोग जा रहे हैं उनको खाना खिलाना, उनको कुछ रहने का व्यवस्था करना और घर पहुंचाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करना, इस तरीके का काम हम लोग ने वेव वन में किया। उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मास्क बांटने के लिए कहा, जो तो समय में वैक्सीनेशन नहीं आया था, कहीं ना कहीं सेफ रहना है तो मास्क पहनना जरूरी था, लगभग 1 करोड़ मास्क पहनो इंडिया, वो भी हमने जो माइग्रेंट लोग थे उन लोगों से उस मास्क को सिलाया, हमने उनको मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल दिया, उनको भी कहीं ना कहीं मदद हो जाए करके, ऐसे ऐसे लोगों को चुन के मास्क बना के लोगों को मास्क बांटने का काम किया। और उसके बाद में जो अपने अपने घर गए लोग, ऐसे ऐसे तस्वीर मिला, जो प्रेग्नेंट लेडी पैदल जा रहा था, जो छोटे छोटे बच्चा बिना चप्पल उतने धूप के समय में जो जा रहे थे, ऐसे लोग वो वहाँ अपने घर तो पहुँच गया, उनके पास किसी के पास पैसा नहीं था, तो सरकार ने बोला किसके पास राशन कार्ड है, जो माइग्रेंट लोग जो वहाँ गए तो उनका राशन कार्ड नहीं है, वो ऐसे ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई करके राशन देना, इस तरीके का काम हम लोग ने वेव वन फर्स्ट वेव में किया। हाँ। जो वेव टू सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, जो मार्च 7 तारीख जो भारतीय युवा कांग्रेस का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष आता है और नेशनल ऑफिस पर, उसमें यूथ कांग्रेस का 6 महीने जो रोड मैप तय होता है, जो किस तरीके के हमने काम करना है, जो उस पर हम लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक और किसान का हम लोग ने कुछ डिसीजन बनाया था, उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय पे हुआ, राहुल गांधी जी आए उस मीटिंग पे, वो हम लोग के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, आप लोग कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करना, क्लियर उनका संदेश था, पॉलिटिकल प्रोग्राम सारे साइड पे रख के आप लोग वेव वन में आप लोग ने काम किया, उससे ज़्यादा वेव टू में आपको काम करना है करके राहुल जी ने। आपने सोचा था जब ये शुरू हुआ तब कि इतने कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, नॉर्मल कॉल्स, और किस तरह से कॉल्स आते थे, कितने कॉल्स आते थे हर दिन, और आप कैसे मैनेज करते थे? ये बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग ने टीम तो तैयार किया, 1000 लोगों का हमने कोरोना वॉरियर्स हम लोग ने पूरा देश भर हम लोग ने तैयार किया, तैयार करके हमने कंट्रोल रूम बनाया दिल्ली में, SOSIYC हमने कंट्रोल रूम बनाया, वो हर स्टेट में कंट्रोल रूम हम लोग ने तैयार किया, जो सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं वो लोग सोशल मीडिया तौर पे कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सएप और कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए अलग अलग हमने टीम बनाया,
बनाने के बाद में ये पहली बार हमको भी देखने को मिला मेडिकल इमरजेंसी। हम लोग भी सोचे नहीं थे, हम तो टीम तैयार किया था, क्या करना हमको पता। जब ये स्टार्ट हुआ, जो मेडिकल इमरजेंसी स्टार्ट हुआ, तब हमने तुरंत टीम बनाए, जो ऐसे ही ऑलरेडी हमारा पास टीम था उसको सेग्रीगेट कर दिया। हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करेगा कौन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितना है, किनको ऑक्सीजन का ज़रूरत है, किसको बेड का ज़रूरत है, किसको वेंटिलेटर का ज़रूरत है, टोटल अलग अलग टीम बनाए। और उसके साथ में जो कोविड आके रिक्वायर हुआ है उसको लेके आके उनसे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अलग टीम, मीन्स तमाम चीज़ें ब्लड डोनेट करने का अलग टीम हम लोग ने बनाया। उनका काम वही है जो जब दिल्ली में आप एवरी 30 सेकेंड में आपको देखने को मिलता था, एम्बुलेंस का सुनने को मिलता था, एम्बुलेंस का साउंड एवरी 30 सेकेंड, इतनी बड़ी लेवल पे क्यों है? तो वो सरकार का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के वजह से जो भी लोग मरे तो लोग कोरोना से नहीं मरे, सरकार का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के वजह से लोग मरे। तो सही समय में ऑक्सीजन मिल जाता था, बेड मिल जाता था, वेंटिलेटर मिल जाता था, कोई नहीं, लोग मरते नहीं। आपने कैसे मैनेज किया ये हमने टीम अलग बनाए थे, हमने जो ज़्यादा इफेक्ट कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में नहीं थे उस समय में, ज़्यादा पंजाब में नहीं था, हिमाचल में नहीं थे ऐसे, और मुंबई से तमाम जगहों से हमने सिलेंडर्स वगैरह मंगाए। और जो एक एक्सपर्ट से बात किया उन्हें बता दिया, जो सरकार ने 8 महीने मौका था जो बेड नहीं बढ़ाया, जो बेड बढ़ाता था ऑक्सीजन बेड हो वेंटिलेटर हो तो पेशेंट के लिए दिक्कत नहीं होता था। तो हम लोग ने जब तक उसको बेड नहीं मिलेगा तब तक हमने उन लोग के लिए ऑक्सीजन दे दे, किसी को इमरजेंसी है तो इंजेक्शन मैनेज करके दे दे, और कुछ लोग को वेंटिलेटर। हॉस्पिटल सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगते थे, हमने पूरा NCR से लेके पूरा देश भर लिस्ट बनाया था, हमने तुरंत फ़ोन करते थे कहाँ बेड खाली है, अवेलेबल है, उनको आप इधर टाइम वेस्ट नहीं करना, आप तुरंत वहाँ जाए। हम लोग का हिंटेंट था लोगों को मदद करने का, एक प्लान था हम लोग को, और ऐसे हमने आश्वासन सबको नहीं दे रहा था, हमने आपको भी मदद करेगा इनको, हमने पेशेंट को भी सेग्रीगेट करता था। 15,000 केसेस आते थे पर डे आपके पास, आप हमारा पास, उसको केसेस को सेग्रीगेट करते थे। कंट्रोल रूम 100 लोग ओनली केसेस को सेग्रीगेट करने में रहते थे, किसका स्टेट है उस स्टेट का कंट्रोल रूम को पास करते थे, उसमें भी इमरजेंसी किसको है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सैचुरेशन कितना है, उसका ऑक्सीजन का कितने ज़रूरत है, इस तरीके का हमने आइडेंटिफाई करके उस तरीके का हमने तुरंत मदद करते हैं। शिव जी, एक बात जो मुझे नोटिस हुई थी कि वो जो 1.5-2 महीने का कार्यकाल था जब वी वेर एट द पीक, वो बहुत मुश्किल था सबके, पूरे देश के लिए बहुत मुश्किल था। और उस वक्त मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां आपके हाथ में दे दी। जब कुछ नहीं हो रहा था उनके आजू बाजू में लोग आपको ट्विटर पे टैग करने लगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस भेजने लगे। कैसे मैनेज किया ये और क्या अनुभव था उस दौर का, उस 1.5-2 महीने का? देखिए, इसमें मैंने क्लियर बोलना चाहता हूँ, लोग परेशान था, लोग कोई भी, वो लोग ने हॉस्पिटल में इंक्वायरी के लिए फ़ोन करे, डॉक्टर को भी फ़ोन करे, कोई फ़ोन नहीं उठाता था। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, मैंने एक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, आप श्रीनिवास बोल रहे, फ़ोन मत काटना, वो आज भी मेरे को याद करेगा, मेरे को दिल ये बोझा, फ़ोन मत काटना, मेरा बात सुनना। तो हमने उनके माने नहीं, हम फ़ोन नहीं काट रहे, आप बताइए आपका क्या है। वो घर में 3 लोग कोरोना से पीड़ित थे, एक ऑलरेडी उसका हस्बैंड एक हॉस्पिटल में था, वो खुद, उनका बच्चा भी कोविड था, वो खुद जो महिला फ़ोन किया था वो भी कोविड थे, उनको तुरंत एडमिशन नहीं मिल रहा था। हमने तुरंत उनको कोऑर्डिनेट करके हमने एडमिशन दिया, उसके बाद में हमको लगा किस तरीके के लोग परेशान है करके। उनके पास सब कुछ था, वो बोल रहे हैं मैं हॉस्पिटल खरीद कर सकता हूँ, बट उसके पास हॉस्पिटल में एक बेड नहीं मिल रहा। बाद में हमने कोई भी कॉल आया तो उम्मीद रख के हमारे पास कॉल कर रहे हैं, हमने सारे फ़ोन उठा के अटेंड करके किस किस लोगों को मदद कर सकते हैं, मदद किया हमने ऐसे केसेस से, तो हमने बता दिया। तमाम
और लोगों को थोड़ा विश्वास लगा, पूरा देश भर हम लोग के फ़ोन आने लगे। हमने मैक्सिमम हम लोग का, हम भी पता नहीं भगवान के ऊपर हम भी छोड़ दिया, मदद करने लगे। ऐसा कौन सा एक वाकया था जहां आपको लगा कि कुछ ना कुछ आपको करना है या किसी की ज़िंदगी जा सकती है? मतलब इट्स अ वेरी डेलिकेट मोमेंट कि जब आपको लगता है कि किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे कौन से वो अनुभव थे या प्रसंग थे जहां आपको आपको वो प्रेशर फील हुआ? दो तीन केस LNGP के हॉस्पिटल के बाहर, लगभग 27-28 साल का लड़का है वो, एम्बुलेंस में उसका नंबर था 17 नंबर था क्यू। मैंने मेडिसिन देने गए थे LNGP में एक पेशेंट को, तो जाने के पहले मैंने देखा वो बहुत सांस लेने दिक्कत हो रहा था। मैंने बात किया उनसे क्या प्रॉब्लम है, वो हरियाणा से था। मैंने उन्होंने बोला मैं भैया मैं दो दिन से घूम रहा हूँ, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे को पता नहीं मैं जिंदा हूँ वो क्या, मैं इस तरीके का मेरे को महसूस हो रहा है। मैं तुरंत मैंने रोहिणी के पास, एक अम्बेडकर हॉस्पिटल है हमारा, वह एक कार्यकर्ता सागर से मैंने कोऑर्डिनेट किया, वो तुरंत वहाँ बेड अरेंज किया। मैं मेडिसिन दे के अंदर आके उसके अंदर एम्बुलेंस भी आ गया, शिफ्ट करने के अंदर वो दम तोड़ चुका था। इतना दुख हुआ, वो उसके उसके मदर ऑलरेडी कोविड हो चुके थे, ये खुद कोविड होके दो दिन से एडमिशन नहीं मिला। वो जो मौत को देख के मेरे को बहुत रात भर नींद नहीं आया। तो हम थोड़ा सोचे ये कहीं ना कहीं किसी तरह से एक छोटा मदद से किसी का जान बच सकता है। हमने तब दोबारा हमने मीटिंग किया, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता से मीटिंग किया, फिर हमने उन लोग को किस तरीके का हमने थोड़ा टीम एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके कहाँ कहाँ से, तो 4-5 दिन में हम लोग को थोड़ा आइडिया आ गया सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है। उस तरीके के हमने एक प्लान करके कोशिश किया मदद करने के लिए। और उसके बाद में भी एक और एक केस है, एक दोबारा एक रात में 3 बजे फ़ोन आया, रोते रोते शिल्पी यादव करके, मेरे को नाम अभी भी याद है, प्लीज़ हम लोग को बचाना, घर पे हम 3 लोग हैं, तीनों कोविड है। तो मैं तो ठीक है आप कहाँ हैं बताइए, वो फरीदाबाद थी, फरीदाबाद से हम यूथ कांग्रेस का वहाँ हमारा टीम को बोल के उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया दिल्ली एक हॉस्पिटल में, उसको एडमिशन हो गया। और बाद में हमने एक दो दिन उसका अपडेट लिया, हमने बोल के एक दिन अचानक फ़ोन आया 20 दिन के बाद, वो रो रहे थे, वो बच्चा रो रहे थे, फिर उसके बाद में उसके माँ रोए। मैंने बोला क्यों रो रहे, क्या है बता दो, हम क्या कर सकते, बाद में रो, अब क्या प्रॉब्लम क्या बताओ। नहीं नहीं हम तीनों जिंदा आ गया, उसका हस्बैंड मोर देन 21 डेज ही वॉज इन ICU, तब उसके रिक्वायर वो बच्चा कोविड से बाहर आया, उनके वाइफ आए, बाद में वो उधर ही रह के उसका हस्बैंड को मॉरल सपोर्ट लेके वो वापस आए, उसको लेके वो लोग एक वीक के बाद मेरे साथ आके फ़ोन में रो रहा था। मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे तमाम केसेस हम सोच नहीं सकते हैं। और एक चीज़ था, एक माँ मर गया, वो लड़का काम करते हैं लंदन में, उसको 11 दिन हो गया मौत होके, उसको अंतिम संस्कार करना, उसका फादर कोविड है, उसको कोई जाके फिर बाद में उनके तरफ से हमको फ़ोन आया, मेरा माँ का मौत हो गया, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा फादर कोविड है, प्लीज़ इसका अंत्यक्रिया करने के लिए उनका रिक्वेस्ट आया। तो हमने गए उसका अंतिम क्रिया निगम बोध घाट में किए, उसको वीडियो कॉल पे उसका अंतिम संस्कार को दिखा। ऐसे ऐसे केसेस से कभी भूल नहीं सकता है। तो पूरा आपका कन्याकुमारी में हमको एक NGO ने कांटेक्ट किया, वहाँ कम से कम यूथ कांग्रेस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 100 के ऊपर जो बॉडी को अंतिम संस्कार करने का काम किया। और स्पेशली मैं गोवा प्रदेश यूथ कांग्रेस वरद और यहाँ का इंचार्ज अखिलेश, इन लोग को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और PCC गिरीश जी कामत जी, या गोवा में ही सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान थे, जो ऑक्सीजन कमी थी और हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, तब सारे BJP के नेता ही लोग दो दो मास्क पहन के घर पे बैठे थे, तब यूथ कांग्रेस में सड़क पे उतर के लोगों को बचाने का काम
यहाँ यूथ कांग्रेस नहीं है, तमाम तमाम टाइम प्रमोद जी आप लोग मेरे चैनल से भी दिखा दिया, ये सरकार को कहीं ना कोई ये गुंगे बेरे निकम्मे सरकार है, किसी के जान के बारे में इनको कोई तकलीफ नहीं था, लोग इतने परेशान थे तब भी अपने अपने सुरक्षा लेके घर पे थे, ये आप जानते हैं। कितने कॉल्स आते थे हर दिन आपको और कितने कॉल्स आप अटेंड कर पाते थे? ये स्टार्टिंग में तो मेरे को कम से कम 600 के ऊपर, 600 से एक बार 700 कॉल भी आए, सुबह से नॉन स्टॉप कॉल आते थे। उनका क्या है, लोग एक उम्मीद रख के हम लोग को फ़ोन करता था कि उन लोग के लिए कुछ लोगों को कुछ पैनिक हो जाते थे, उनको सही समय पे हमने उनको कुछ काउंसलिंग का ज़रूरत होता था तो उसका 90 ड्रॉप होते थे तब भी वो लोग फ़ोन करते थे हमको, जो सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिलता था तब भी फ़ोन, हर चीज़ में हम लोग को फ़ोन करते थे लोग। हमने उसको प्यार से कुछ डॉक्टर से हम लोग ने हायर किया था, कुछ डॉक्टर हमारा यूथ कांग्रेस के थे, उन लोग के लिए कॉल हम लोग ने डाइवर्ट करता था किस उन लोग को काउंसलिंग करना, क्या बेसिक स्टेप करना, होम आइसोलेशन किट किस तरीके के उनको मेडिसन लेना, कैसे रहना, इस तरीके का होम आइसोलेट करने के लिए वो एक टीम सेपरेट हम लोग ने जो भी कॉल आते तुरंत हमने डाइवर्ट करते थे। कुछ लोग जो सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता, जो उदाहरण दिल्ली में और कर्नाटका में दो एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, वहाँ एक ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स एक ही जगह में मिलता था, ये दिल्ली में किसी को पता नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन उस फार्मास्यूटिकल्स में मिल रहा है। जब भी इंजेक्शन के लिए उस समय में लोग जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं ना, ऐसे लोग ने 3000 इंजेक्शन को 50,000 30,000 में ब्लॉक में सेल करते थे। लोग परेशान होते थे, एक जान बचाने के लिए डॉक्टर तो लिख के देता था आप इंजेक्शन लाएगा तो बचेगा पेशेंट, नहीं तो नहीं बचेगा। तो तुरंत हम लोग ने उनको पेशेंट का आधार कार्ड, जो हॉस्पिटल का एडमिशन कार्ड और डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म, ये सारे चीज़ लेके हम हमारा कार्यकर्ता उनके साथ अटेंडेंट के साथ लाइन पे लगते थे, वहाँ उनको टोकन मिलता था, बाद में वो इंजेक्शन मिलता था। इस तरीके के हमने कुछ कॉल्स को हमने उन लोग को समझाते थे, इंजेक्शन चाहे तो पला स्टेट में कहाँ मिलता है, दिल्ली में ऐसे कर्नाटक में ड्रग कंट्रोलर्स के आपने बात करना, ड्रग कंट्रोलर से मिलेगा, हॉस्पिटल ने मेल भेजना हेल्थ इंस्पेक्टर, तो हेल्थ इंस्पेक्टर हॉस्पिटल को इंजेक्शन भेज। इस तरीके का कुछ लोग को पैनिक होते पता नहीं होता था, हमने इस तरीके का काम उनको जो इमीडिएटली क्या कैसे मैनेज करना, कैसे कांटेक्ट करना, कहाँ जाना, वो हम लोग ने फ़ोन पे बताते मीन्स एक कभी कभी एक एक दिन पूरा नींद नहीं आते थे। एक प्रेग्नेंट लेडी रात में पूरा 9 बजे से रात भर एडमिशन के लिए दिल्ली घूम रही थी, उसको एडमिशन नहीं मिला, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया वो आप पंजाब चले जाओ आपको एडमिशन मिलता है कर। बाद में फाइनली एक पत्रकार ने मेरे को फ़ोन किया, ऐसे प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसमें एक नहीं है दो जीव है, उसको बचाना। तो हमने उसको कोऑर्डिनेट करके हॉस्पिटल हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, फिर वहाँ से आने के बीच में उसका मौत हो गया। इस तरीके का केस हम लोग ने देखा, और ये 3 साल के बच्ची के साथ जो मीन्स बहुत ऐसे ऐसे केस देखा कहीं ना कहीं, बहुत आज भी कुछ केसेस मेरा आँखों से बाहर नहीं जाते हैं, मीन्स कितना तकलीफ होता है आज भी। हमने इसीलिए वेव 3 के लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं, जो बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है करके कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला, सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम उसके ऊपर ज़्यादा बोलते नहीं, हम क्या करना है, जो राहुल गांधी जी का भी ऑलरेडी क्लियर निर्देशन है आप लोगों को मदद करने के लिए वेव 3 के लिए हमने ऑलरेडी हमने तैयार करके रखा है। बट उस समय में जो लोग ने किस तरीके के जो परेशानी रहा, किस तरीके के दुख रहा, आप सोच नहीं सकते हैं कितने परिवार में जो मौत हुआ। मैं एक बात बता रहा हूँ, घर पे 7 लोग कोविड है, अगल बगल दोनों घर का, वो 2 घर में कोविड करके पूरा उस मोहल्ले में कोई बाहर नहीं आ रहा है, वो एक दिन जो दोनों परिवार खाना नहीं खाए थे, वो लोग ने टीवी में देख के हम लोग को कांटेक्ट किया,
फिर हमने डिस्पोजेबल पैक करके खाना लेके आके रखते थे। फिर एक वहाँ जो अगल बगल का ही एक हमारा कार्यकर्ते मिले, हमने उसको समझा के भाई आप लोगों को एटलीस्ट खाना तो पहुँचा दो, बाहर रखो, उनके साथ अंदर जाना नहीं है। डिस्पोजेबल पे आप कुछ भी खाना रखेगा वो लोग लेके आएगा। फिर हमने उसका नंबर दिलाया उनको, इमरजेंसी कुछ पैरासीटामॉल रिक्वायर थे ऐसे समय में उनको, जब भी वो उसका फ़ोन आते थे वो लोग लेके आके वो पन्नी में डाल के वहाँ रखते थे, लोग लेके यूज़ करते थे। और सबसे ज़्यादा ये प्लाज्मा थेरेपी उस समय में लिखता था हमने, जो वेव वन से लेके जो कुछ लिस्ट बनाए थे 10,000 लोग जो कोविड रिक्वायर्ड लोगों को हमने आइडेंटिफाई किए थे, उन लोगों का प्लाज्मा हम लोग ने कलेक्ट करके और जो पेशेंट को देने का काम करता था। साथ में बहुत सारा लोग जो कोरोना आके रिक्वायर होने के बाद में रिकवर होने के बाद में 15 दिन में उसका एंटीबॉडी जनरेट होता है बॉडी में, जब उनके एंटीबॉडी जनरेट हो गया उसका वेरीफाई हो गया ये देने के लिए इनका प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनको भी पेशेंट को डर होता था प्लाज्मा देने से कहीं ना कहीं दोबारा मेरे को कोविड हो जाएगा इस तरीके का, उसको फिर डॉक्टर से काउंसलिंग करा के कम से कम 8-9 हज़ार लोग उसमें आके डोनेट किया तमाम लोगों का बचाने का। डॉक्टर गिल आज भी मेरे को याद है, उसका हस्बैंड वाइफ दोनों यथात हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर था, वो लगातार उन लोग ने कोविड पेशेंट किए पेशेंट को देखते थे। वो भी डॉक्टर गिल बीमार हो गया उनकी वाइफ, तो तब हम लोग के लिए हमने जाके उनको प्लाज्मा दे दिया तुरंत 2 यूनिट, तब वो रिक्वायर हुए। मींस इस तरीके का केस। एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजनीति एक तरफ और ये काम एक तरफ, ये जो आपने किया है कोविड के दौर में उसे राजनीति के तौर पे हम नहीं माप सकते, बट यस हम सब चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए, कोई अफेक्ट ना हो, बट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक पूरे देश ने देखा है कि आपने कैसा काम किया था उस वक्त, और यस आप जैसे लोग अगर नेता है तो इस देश का बहुत भला हो सकता है। सो आप गोवा में आए, लाठियां भी खाई, आंदोलन भी किए और हमारे स्टूडियो में यहाँ पे भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू, मैं भी काफ़ी बार आपको टीवी में 2-3 बार आपको देखा था, आज आपके चैनल में आए आके बात करने को मौका मिला। आपको और सभी गोवावासी को मैं धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले दिन में तो ये लोग तो अच्छे दिन का वादा किया, अच्छे दिन आया नहीं है, बट अभी लोग पूछते हैं इन लोग को पुराना दिन ही लौटा दो, जरूर कांग्रेस सरकार आके सब लोग का जो समस्या है प्रॉब्लम, चुनाव सिर्फ 6 महीने, चुनाव को सिर्फ 6 महीने बचे हैं, देखते हैं कैसे दिन आते हैं, बट आइए आप इतनी मतलब ये जो अनुभव है वो जो दौर था उस 1.5-2 महीने का वो आपने बताया, उसमें आपने शेयर किया, बहुत इम्पोर्टेंट था न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फिलीपींस एम्बेसी और तमाम लोग ने ऑफ द रिकॉर्ड मना कर दिया, बट वो लोग खुद टैग कर रहे हैं हम लोग को। हमने जाके उनको मदद करने का काम, देखिए जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन है तो वो लोग हमारा अतिथि है, अतिथि देवो भव, ये भारतीय में एक संस्कृति है लोगों को मदद करना, उसको ख्याल रखना, उसको सेवा करना। उसके बाद में ये सरकार ने हमारे लिए क्या किया, तो पुलिस भेजे, हम लोग के ऊपर केस हो गया, हम लोग के ऊपर जांच करवाया, तमाम चीज़ें किया, तो ये सरकार नहीं कर पा रहे, हाँ आप कहाँ से किया करके, तो उनको मैंने बताया ये भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली बार हम लोग ने नहीं कर रहे हैं, पहले भी हमने बहुत सारे राज्यों में उत्तराखंड में हुआ था, आपदा हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, तमाम जगह किया, बट पहली बार पैन इंडिया हुआ। यस, और एक बात तो है शिवाजी, अ गुड डीड नेवर गोस वेस्ट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंट्रीब्यूशन, और थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर, और इतनी ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेयर किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद जी, आपने बुला के इस कार्यक्रम में। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।